हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पूनम सिंह में। तो आज बात करेंगे हम भूगोल के बारे में, ठीक है। भूगोल के जैसे कि आपको डेली आपको प्रश्न 10 मिलते आए हैं और इसी तरह आगे भी मिलते रहेंगे, ओके। तो हम अब क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारा क्या होगा, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ये तो अच्छे से आप जानते होंगे कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना तो आपको पता ही होगा, और बहुत ही प्यारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? हेरोडोटस, एनैक्सिमेंडर, एरेटोस्थनीज, ओके, और हिकेटियस। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा हमारा हिकेटियस। किसको इन्हें माना जाता है? हिकेटियस को, ओके। अब बात करते हैं हम दूसरे प्रश्न के बारे में। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर, क्या मानकर दोस्तों? केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये किसने कहा था दोस्तों? किसने कहा था? तो डियर कहा था किसने, हम बात करेंगे। टॉलमी ने कहा था, कांट, वारेनियस और टेलर। तो डियर किसने कहा था? वारेनियस ने। हमारा राइट आंसर होगा शी, ओके। अब बात करें हम तीसरे क्वेश्चन के बारे की। गणितीय भूगोल का प्रारंभ करता कौन है, ठीक है। तो वो हमारा थेल्स, टॉलमी, स्ट्रेबो, थियोफेस्टस। तो कौन सा है दोस्तों? हमारा है थेल्स। कौन सा था? थेल्स था, ठीक है। अब बात करें हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, सबसे पहले किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? हिकेटियस, हेरोडोटस, इरेटोस्थनीज, एनैक्सिमेंडर, ओके। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा इरेटोस्थनीज, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें हम। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति का जन्मदाता किसे माना जाता है? डेविस, पेसेल, पैंक, हंटन। तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों पेसेल, ठीक है। क्या होगा दोस्तों? पेसेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। तो वर्तमान भूत की कुंजी, यानी वर्तमान भूत की कुंजी कथन किस विद्वान का है, ठीक है। तो किसका था? हंटन, डटन का, जेम्स हंटन का, डेविस का, वाल्टर पेंक का। तो दोस्तों किसका था? वो था हमारा जेम्स हंटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रुको और जाओ नियतवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? रुको और जाओ के जाओ नियतवादक वाद के विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? एजे हर्बर्टसन, जॉर्ज टेथम, हॉटसन, गिफिथ टेलर। तो कौन थे दोस्तों? हमारे थे गिफिथ टेलर, ठीक है। अब बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था या कौन है, ठीक है। तो वो कौन है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, इसके हमने ऑप्शन नहीं लिखे, ओके। तो फिर मैं आपको इसका बता देती हूँ इसका क्या होगा। इसके दोस्त थे कौन? NH। कौन थे दोस्तों? H बेरोज। कौन थे दोस्तों? H बेरोज, H बेरोज। कौन थे दोस्तों? H बेरोज थे, ठीक है दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा मानव भूगोल का संस्थापक किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है दोस्तों? ब्लास्को, हम्बोल्ट को, कॉल डिटर, जीन ब्रूंस। तो किसे कहा जाता है दोस्तों? कॉल डिटर को। इसी तरह आपको डेली, ठीक है, प्रश्न 10 मिलते रहेंगे भूगोल के। अब आगे हम देंगे आपको हिस्ट्री या पॉलिटी के, ओके।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़े लेते रहिए, इसी तरह पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।